अब अपन बात कर लेते हैं 180 प्लस और माइनस थीटा का, ठीक है। 180 प्लस और माइनस थीटा का, ये अपन दोनों देख लिए, माइनस थीटा और 90, प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों देख लिए। अब अपन लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, क्या कि ट्रिगोनमेट्री फंक्शन कहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे कि साइन 90 माइनस या प्लस थीटा, ठीक है, तो क्या आ जा रहा था, कॉस थीटा। मतलब साइन क्या चीज़ में बदल रहा था, कॉस में बदल रहा था, ठीक है। बस ये याद आप रखिएगा, ठीक है, कि साइन क्या चीज़ में बदलता है, कॉस में बदलता है, ठीक है। कब, जब 90 यहाँ पे मेरे को दिख जाए तब उसको बदल देना है कॉस में। दूसरी बात देखिएगा, ये पूरा जो है ना हमारा एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एक्सिस की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब लंबवत जो आप बोल सकते हैं इसको। तो इस पे जो भी एंगल होगा ना, इस पे जैसे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो ये सभी पे यही रूल अप्लाई होगा कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, जो आप 10th में पढ़े हैं, ठीक है, कि साइन कॉस में, कॉस टेन में, टेन सॉरी कॉस साइन में, और टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, ये बदलेगा हमेशा, ठीक है। कब, 90 प्लस माइनस थीटा, और कब, 270 प्लस माइनस थीटा। इतना पे क्या बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस क्या चीज़ में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और सेक क्या चीज़ में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदलेगा, टैन क्या चीज़ में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, और कॉट टैन में बदलेगा, ठीक है। अब ये बोलेंगे क्या ये बताए, बदलेगा बदलेगा। यहाँ से ये कि अगर 90 दिखा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 90 या फिर पाई बाई टू, इसको आप पाई बाई टू भी समझिएगा आप, क्योंकि आप रेडियन का केस देख लिए हैं। तो ये 90 माइनस या 90 प्लस होगा, तो ये जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़े उसी तरीके से सभी ये बदल जाएगा इसमें। कब कब, जब 90 का केस रहे और 270 का केस रहे, मतलब 270 का केस रहे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मेरे को पता था, आपको बताने का क्या ज़रूरत, ठीक है। अब देखिएगा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आ रहा, 180 पाई, और क्या आ रहा, 360 और 2 पाई आ रहा। तो यहाँ पे चेंज नहीं करता है, कहाँ कहाँ पे ट्रिगोनमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करता, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे ट्रिगोनमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करता है। मतलब अगर इस तरीके से साइन है और यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी साइन ही थीटा होगा, अब वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। तो देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किया ना, यहाँ साइन कॉस में हो रहा था, यहाँ साइन साइन में ही रहा। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रिगोनमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करता, बस इतना याद रखिएगा, और कुछ नहीं। और कहाँ कहाँ चेंज करता है, 90 और 270 पे, बस। उसी तरीके से साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ भी चेंज नहीं करेगा, साइन आ जाएगा। अब ये माइनस में आए या प्लस में आए वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि किस पे चेंज करेगा, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस किसका है, 90 और 270 आ रहा, और उस पे हमारा ट्रिगोनमेट्री फंक्शन चेंज करेगा, ठीक है। और चेंज कैसे करेगा वो आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि चेंज कहाँ पे नहीं करेगा, तो 180 और 360 के केस में, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या अब हम लोग देखें 180 का केस देखते हैं। देखिएगा साइन, अब हम थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। आप हम कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं, आप उसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जब 180 दिख जाए तो चेंज नहीं करेगा, तो आप सबसे पहले तो साइन लिख दीजिए। अब अपन देख लेते हैं कि ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में ये जा रहा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो सही है। अब हम ले लेते हैं कॉस या फिर किसी का भी कॉट ले लेते हैं। अब आप छः खुद से बनाइएगा इसको, आप समझ गए हैं तो। अब देखिएगा 180 माइनस थीटा की ही बात कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 दिखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ क्या है, कॉट ही थीटा रहेगा। अब माइनस प्लस चेक कर लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिया। ठीक, उसी तरीके से आप इसको 6 का 6 लिख सकते हैं। और एक बात बता देते हैं, जैसे सेक की बात करते हैं, सेक 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होता है? कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो वो दोनों में तो है नहीं, यानी ये तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बात आती है कि 180 पे चेंज नहीं करता, तो सेक का सेक ही रह गया, ठीक है। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आप देख लिया। और इसमें जो बचा हुआ है 3, आप खुद से कीजिएगा। अब 180 प्लस की बात कर लेते हैं, साइन 180 प्लस की बात करते हैं। देखिएगा, आप खुद से बनाइए, 180 दिख गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, यहाँ भी साइन ही थीटा रहेगा। अब माइनस प्लस अपन चेक कर लेते हैं। देखिएगा, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। टेन कॉट में तो साइन आता नहीं है, तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अब एक प्लस वाला केस ले लेते हैं, टेन 180 प्लस थीटा। देखिएगा, 180 दिख गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, टेन ही थीटा रहेगा। अब माइनस होगा प्लस होगा वो अपन क्वाड्रेंट में समझ लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन ही है, तो पॉजिटिव ही रह गया, ठीक, समझ गया। तो इसी तरीके से इसका भी आप जो बचा हुआ है आप निकाल सकते हैं। अब अपन 270 की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, जैसे अभी हम बोले आपसे कि साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। डायरेक्टली टेबल में तो ये मिलने वाला है नहीं हमको, क्योंकि वहाँ 90 तक ही रहता है। अब उसके बाद देखिए, हम इसको लिख दें ऐसे, साइन 180 माइनस 30, 150 को तो लिख ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ये देखिए किसके जैसा फार्मूला बन गया, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है, ठीक। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है। नहीं भी अगर मालूम है तो आप इसको आराम से थोड़ा सा सोच के बता सकते हैं, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 मेरे को दिख गया, यहाँ 180 दिखे या 360 दिखे, ये साइन साइन में ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है, तो ये साइन थीटा ही हुआ। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कितना है, 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। और वहाँ पे भी हम लोग जो बनाए थे इस तरीके से कि इसको बदल लिए थे साइन 90 प्लस 60 में, ठीक है, तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था, तो कॉस थीटा की जगह कितना, 60, इसका भी वैल्यू क्या आया था, 1/2, कि दोनों से सेम आया, ठीक है। तो आप जिससे आप कन्वर्जन करना चाहें उससे कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम 270 केस देखते हैं और 360, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। हाँ, ये तो हम लोग 180 प्लस और माइनस थीटा को देख लिए, अब हमारा क्या बचा हुआ, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 का देख केस देख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब फिर से देखिएगा, हम आपको एक बात बताएं, याद रखिएगा हमेशा, ये वर्टिकल एक्सिस है और इस पे हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चेंज करता है, ठीक है, और ये दोनों पे चेंज नहीं करता है और इस पे चेंज करता है, ठीक है। बस ये इतना याद रखिएगा, बाकी आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम 270 का केस देखते हैं, जैसे कि साइन कॉस किसी का भी ले लें, कॉस की बात कर लेते हैं, 270 माइनस थीटा ले लें और एक तरफ हम प्लस ले लेते हैं, दोनों साथ में लेकर चल जाते हैं, ठीक है, 270 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 270 कौन सा है, ये लाइन है, ठीक है, माइनस की बात की है तो हम किस में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, और बाकी जो भी इसमें आएगा सब नेगेटिव। तो देखिएगा, कॉस जा रहा किस में, सेकेंड, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है,
कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए इसको कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये देखिएगा। तो 270 आ गया तो बदलेगा, दो जगह बदलता है 90 और 270 पे। तो ये तो आ गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस और प्लस वो देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं टैन का केस, टैन 270 माइनस थीटा की बात कर लिए, ठीक है। जहाँ 270 दिखा और 90 दिखा, टैन क्या चीज़ में बदल जाएगा, कॉट थीटा में, ठीक है। अब देखिएगा ये टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रह गया, इसमें कोई चेंजेज नहीं। अब इसमें देखिएगा 270 प्लस की बात करें तो 270 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो हम क्या देखें कि कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ किसका लिए, कॉस का लिए है। अब यहाँ क्या चीज़ में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, क्योंकि 270 दिखा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये चीज़ प्लस में ही रहेगा। और कोई ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं जैसे टैन का ही ले लेते हैं केस, 270 प्लस थीटा, देखिएगा क्या आएगा, ये पहले क्या चीज़ में बदल जाएगा, कॉट थीटा। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो अपन चेक कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ क्या है, टैन थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका चार और इसका चार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मतलब इसको प्रॉपर्टीज बना लीजिएगा, फार्मूला बना लीजिएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं ये अपन देख लिए। अब 360 प्लस और माइनस का केस देख लेते हैं। तो देखिए कैसे देखते हैं, सेम उसी तरीके से, अब शायद आप समझ गए होंगे और खुद से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं टैन की, टैन 360 माइनस थीटा, ठीक है। कहीं पे देखिएगा ये चीज़ आपको पाई में भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या हो जाता है 180, तो 360 में कितना 2 पाई, तो कहीं पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि टैन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, बस ये रेडियन में और ये डिग्री में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टैन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में आता है, ठीक है। टेन पहले 360 दिख गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, टेन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से आप ये 6 का 6 आप लिख लेंगे, जैसे हम एक कॉस का ले लेते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 360 है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, कॉस ही थीटा रहेगा, ये पॉजिटिव। आप पॉजिटिव लिखें या ना लिखें बात बराबर है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं 360 प्लस की बात कर लेते हैं। देखिएगा 360 जब प्लस की बात कर लेंगे, ठीक है ना, तो फिर हमारा सभी क्या आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव, जो हमारा 90 माइनस थीटा के केस में होता था। साइन से ले लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 360 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, ये आ गया, ठीक है। कहीं पे 2 पाई भी लिखा रहेगा, जो हम लोग 180 का केस लिए हैं वहाँ पे पाई भी लिखा सकता है, और 90 का जो केस लिया वहाँ पाई बाई 2 भी लिखा रहेगा, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं कॉस का, कॉस 360 प्लस थीटा, देखिए ये माइनस प्लस का तो अब केस हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि सभी क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि कहाँ चला गया, 360 प्लस कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, बस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। उसी तरीके से आप टोटल का टोटल 6 इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एक आधो कर लेते हैं इस पर। हाँ, तो आइए हम लोग अब कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसी के ऊपर लिए, समझिएगा कि पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं, क्या कह रहा कि साइन माइनस 390 का वैल्यू बताना है। देखिएगा कैसे 390 आएगा,
सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम माइनस का केस देखे थे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि ये साइन जो है माइनस 390 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 390 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब ये 390 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर्टीज में सेट हो जाए। तो देखिए अब वो भी देखना है कि हमको करीबी वाला चेक करना है। तो देखिएगा कैसे, हम यहाँ पे आप कीजिएगा 360 प्लस कितना कर ऐड करें, 30, देखिएगा हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, वो आपको सेट होने वाला ही देगा, ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टीज़ पे सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट हो गया, तो ये हम इसको लिख देते हैं कि साइन 360 प्लस 30 क्या हो गया अब हमारा, ये देखिए किस पे बन गया, कौन प्रॉपर्टीज पे आ गया, साइन 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री है, तो माइनस साइन 30 डिग्री यानी माइनस 1/2। देखिए माइनस 1/2 साइन 30 का वैल्यू नहीं होता है, ये माइनस जो पहले से लगा हुआ है ना वो माइनस इसमें लगा है, ठीक है ना, माइनस 1/2, ठीक। अब सेकंड की बात करें, आसानी से बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए दो यहाँ पे केस आपके साथ आ सकता है, कैसे देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको, आप जिससे भी निकालेंगे दोनों से सेम आएगा। जैसे देखिए सेकेंड का केस अपन देख लेते हैं कि टेन 300 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक कि टेन 360 माइनस 60 डिग्री, देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं, और एक कैसे लिख सकते हैं टेन 270 प्लस 30, ठीक है, दोनों टाइप से लिख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज लगा देंगे, टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात अभी कर रहे हैं फर्स्ट वाला का, टेन 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा, माइनस टेन 60, टेन 60 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। इससे देख लेते हैं क्या आएगा, टेन 270 प्लस 30, देखिएगा टेन 270 प्लस थीटा, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, और ये टेन क्या चीज़ में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि 270 है, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू, इसका भी वैल्यू होता है माइनस रूट 3 और इसका भी वैल्यू होता है माइनस रूट 3। ये माइनस किसके कारण आया समझ गए ना, ये माइनस जो पहले से लगा हुआ उसके कारण आया, ऐसा मत समझिएगा कि 60 का वैल्यू माइनस रूट 3 होता है, ठीक है। जो आप टेंथ में पढ़ें वही यूज़ कीजिए यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, दोनों से सेम आया, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड की, थर्ड कैसे बना लें, देखिएगा ये अब यहाँ पे आ गया, अब समझिएगा ये चीज़, ऐसे आप बनाइए, एक्सिस ड्रॉ कीजिए, क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए, देखिएगा एक बार घूमा तो कितना घूमा, 360, ठीक है। अब एक बार घूमे, चार बार घूमे, घूमेगा तो वही एक्सिस ना, वही क्वाड्रेंट घूमेगा ना, ऐसा तो नहीं कि पांचवा क्वाड्रेंट इसमें बन जाएगा। अब देखिए 360 जब घूम लिया तो एक बार और चक्कर लगाया, तब कितना आप घूमा, 360 पहला बार घूमा, दूसरा बार घूमा तो 720 घूम गया, ठीक है ना, और 720 जब घूमा, क्योंकि कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया यहाँ पर आया, तो फिर घूमना घूमा तो पूरा कितना चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, मतलब कि 360 और 360 का तो कितना हो गया, 720 हो गया ना। तो सबसे पहले अब देखिए 765 की बात है, कैसे आएगा, 720 प्लस 45, देखिएगा आएगा, यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला भी डिराइव कर लेंगे, कैसे समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आ गया, सबसे पहले 765 की बात किया तो 765 हम इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब समझिएगा यहाँ से कि सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सेक थीटा होता है, क्योंकि दो ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ठीक है। तो सेक
अब तो हो गया प्लस में 765 को क्या लिख सकते हैं, सेक, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको लिख ले 2 इंटू 360 अब प्लस 45, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ पे लिख दिए, 360 अब प्लस 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए फार्मूला हमारा वहीं रहेगा सेम, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़े हैं 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक में ही रह जाएगा, और सेक 45, और सेक 45 का कितना वैल्यू होता है रूट 2 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और देखिएगा कि यहाँ 2 लिखे तो क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा, ये भी आप यहाँ से समझ गए होंगे कि देखिए कितना हूँ घूमे, एक चक्कर घूमे, दो चक्कर घूमे, फिर तो यहीं घूमा ना, इनिशिए यहाँ आया और फिर यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहीं पहुँचा, तो कितना हूँ घूमे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, देखिए कि साइन 3630 डिग्री, ठीक है 3630 डिग्री, आप क्या देखिएगा 360 के मल्टीपल जाइए, 10 चक्कर लगाएगा, लगाएगा ना 10 चक्कर, तभी ना 3600 कंप्लीट होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्वाड्रेंट से समझे, तो पूरा एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, ऐसे कहीं करके 10 चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँचेगा 3600, और फिर 30 कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे 10 × 360 अब प्लस 30 बराबर है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो भी वो चक्कर जब हम कंप्लीट करें और उसके बाद जब गए तो उतना ही गए जितना पहले जाते हैं, साइन 30 पहले के भी अगर हम बात करें, साइन 30 कहाँ जाते हैं, यहाँ से यहीं तक जाते ना, और ये 10 चक्कर कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ आया उसके बाद गया, तो दोनों तो अगर देखें तो सेम ही गया वहाँ से, इस इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फार्मूला क्या होगा, साइन 30 और इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो यहाँ से एक फार्मूला किस तरीके से आया कि साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, यानी एन के जगह कोई भी नंबर रहे और इससे मल्टीप्लाई रहे तो हमारा क्या रहेगा साइन थीटा ही रहेगा, एक जनरल फार्मूला बन गया, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दें 2π लिख दें, 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। हम जनरलाइज की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा का जनरल टर्म देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे अभी देख लिए, ठीक है, कि दो चक्कर गया तो भी फार्मूला हमारा वही लगा, और यहाँ 10 चक्कर जब गया एन इक्वल टू 10 तो भी हमारा फार्मूला वही लगा साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो आप इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इस पे इसका जनरलाइज्ड टर्म देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।